गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग एंड दी फैमिली ब्लॉग। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? कमेंट में जरूर बताना गाइस। okay. बहुत दिन बाद मतलब ब्लॉग बनाने लगी हूँ क्योंकि एग्जाम चल रहा था, एग्जाम चल रहा था और हमारे पास टाइम भी नहीं मिल रहा था। तो अभी थोड़ा सा हम फ्री हो गए हैं क्योंकि दिया का जो रिटन वाले एग्जाम थे वो हो गए खत्म। अभी बस रह गए दिया कौन सी वाले, प्रैक्टिकल 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 वगैरह अभी रह गए दिया के। मेरे हिसाब से 3 तारीख तक दिया के प्रैक्टिकल वाले एग्जाम अभी रह गए, बस वो खत्म होने के बाद हो जाएंगे बिल्कुल फ्री। और ये वाले ब्लॉग मैं इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि गाइस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ एक गुड न्यूज। गुड न्यूज तो मतलब ये है कि मैं खुद भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ। मैं भी शॉक्ड हूँ गाइस। बात ये है कि जो मेरा बेटा है पुनीत, गाइस वो उसका एग्जाम मतलब चल रहा था, पीछे फाइनल पेपर चल रहा था, आप लोगों को पता ही है। तो अभी उसका रिजल्ट आया है आज, और आज था वाहेगुरु जी के पाठ रखा हुआ था और साथ में इसके मतलब पीटीएम वगैरह था। तो हम नहीं गए गाइस, हम नहीं गए क्योंकि हमें पता है हमारा बच्चा पढ़ाई करते नहीं है, तो तो इसलिए हम स्कूल नहीं गए, पीटीएम पर नहीं गए। पर हमारे साथ हुआ एक चमत्कार, बहुत ही बड़ा गाइस, जिसको बिलीव करना बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए क्योंकि हम खुद भी शॉक्ड है गाइस। आज तक ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मेरा बेटा सेकंड क्लास में है और मतलब क्या बताऊँ आपको, हर बार ही मैं बताती हूँ कि मेरा बेटा बहुत शरारती है, पढ़ाई भी बहुत ही मतलब कम करते हैं। इस बार मेरे बेटे ने मुझे शॉक्ड कर दिया, शॉक्ड बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ मैं। और मुझे ना क्या बोलूँ, सोच सोच के ना थोड़ा सा रोना भी आ रहा है क्योंकि होता है ना जब कोई किसी मतलब उम्मीद ना करो और मतलब अचानक वो चीज सामने आए, तो मैं ना बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ गाइस मतलब दिया तो मेरे पढ़ाई में बहुत अच्छी है, ठीक है, दिया पढ़ाई में बहुत अच्छी है, दिया तो फर्स्ट आते हैं, इसके लिए मुझे कोई फिक्र ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं होता है क्योंकि ये समझते हैं, समझदार भी है, पढ़ाई भी करती है, पढ़ाई में अच्छी भी है। पर मेरा बेटा इतना पढ़ाई पर, मैं इसको इस बार बोला था बेटा अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है, पर होता है ना मतलब उसने काफी अच्छे से ही पढ़ाई किया गाइस। इस बार मैं सच में शॉक्ड हूँ। मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा बेटा इस बार 3rd पोजीशन में आए हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि हमें तो उम्मीद ही नहीं होता है, हम सोचते हैं बस पास हो जाएंगे, यही बड़ी बात है, पास हो जाए यही बड़ी बात है। पर इस बार वो 3rd पोजीशन आए हैं और मैंने ना इग्नोर करके मतलब इग्नोर ही किया मैंने कि मैं क्या स्कूल जाऊंगी तो टीचर्स बोलेंगे कि पुनीत को अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तो मुझे सुनने में अच्छा नहीं लगता है। और मैं बच्चों को ज़्यादा प्रेशर भी नहीं करती हूँ क्योंकि हर बच्चा पढ़ाई पे भी नहीं जाते हैं, ठीक है, टैलेंट कोई और भी होते हैं बच्चों की, जरूरी नहीं कि हर बच्चा पढ़ाई करे तो आगे जाए। बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखा जो मतलब जैसे कोई क्रिकेट में चला जाता है कोई कुछ, इसलिए मैं अपने बच्चों को कभी भी फोर्स नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ जो प्यार से पढ़ते हैं वही बहुत बड़ी बात होते हैं। तो गाइज इस बार मैं सच में शॉक्ड हूँ, मैं बहुत बिजी था दिया को लेके, बट मेरे बेटे ने सेकंड क्लास में उसने सच में पढ़ाई किया। मैंने तो ना मैं तो तुम्हारे साथ कभी चंडीगढ़, कभी कहा हम बिजी रहते हैं, पर मेरा बेटा सच में पढ़ाई किया और इस बार उसने 3rd पोजीशन में आए। मैं गई नहीं, मैं मुझे बोल रहा था स्कूल में जाना चाहिए था, चलो तो पुनीत भी नहीं गए, हम सब घर पे थे, तो उसके पापा हमें उम्मीद ही नहीं थी, पर इसके पापा स्कूल गए और इसके पापा लेके आए इसके ट्रॉफी लेके आए और हमें ना विश्वास नहीं होता गाइस। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, दिखाओ इधर आओ, ये देखो मेरा बेटा आया था, उल्टा दिखाई दे रहा है वैसे ना, कोई नहीं, ये पोजीशन मिला है और ये है, दिखाओ, ये देखो मेरे बेटे को मिला है ये ट्रॉफी, हमें उम्मीद नहीं था ना, तो इसलिए हम स्कूल भी नहीं गए, इसके पापा लेके आए। तुम खुश हो बेटा? हाँ, ये इस बार सच में बहुत अच्छा पढ़ाई किया बेटा, अब मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे ऐसा लगता था कि भाई बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, और इसने तो बहुत अच्छा पढ़ाई किया। सिद्ध हो जाओ, क्या हो गया गाइस, हम इसलिए स्कूल नहीं गए थे, हमें लगा था पता नहीं पास तो होगा मासाई, तो इसलिए हम स्कूल नहीं गया, जिसके स्कूल में पाठ भी रखा हुआ था, लंगर भी था,
तो हमने सोचा कि ये तो मसाई पास होगा, तो हमने इग्नोर किया। पर थोड़ा सा ना, मतलब जब उसके पापा ने ट्रॉफी लेके आए ना कि पुनीत थर्ड पोजीशन मिला है और इसको ट्रॉफी भी मिला है, तो तब बहुत दुख हुआ। जे काश हम चले जाते तो वहाँ पे स्कूल में भी यूनिफॉर्म में इसका फोटो आ जाता, क्योंकि ये सेकंड क्लास में है तो ये फर्स्ट टाइम इसको मिला है, फर्स्ट पहली बार। बार पहली बार ये थर्ड पोजीशन मिला है इसको। खुश हो बेटा? तो बस गैस, आप लोगों से ये शेयर करना था। तो पार्टी तो बनता है दिया, हाँ थोड़ा बहुत करेंगे कुछ ना कुछ। भाई का पहली बार मेडल मिला है भाई को। फर्स्ट टाइम। लो इसको संभाल के रखो बेटा, तोड़ मत देना। लाइफ में पहली बार तुम्हें मिला है, और कोशिश करना कि हर बार कुछ अच्छे ना से कुछ पढ़ाई मिले। करो, अच्छे से पढ़ाई करो, हर बार तुम्हें मतलब पोजीशन मिले और हर बार तुम्हें ऐसा मेडल मिले स्कूल से, ठीक है? हाँ, अच्छे से पढ़ाई करोगी कि नहीं? वैसे तो तुमने अच्छे से पढ़ाई किया, चलो तुम पर मेरा भरोसा हो गया। तो पार्टी करे? इसको तो गाइस थोड़ा मारा मोटा तो पार्टी करना चाहिए ना दिया। हाँ ये बात है। हाँ? पुनीत, अगर तू तो ऐसे मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कुछ आएगा ना, तो हाँ हम मतलब प्राइज रखेंगे। अगर फर्स्ट आया, वैसे तो नहीं आ सकता, चलो कोई नहीं। यार मजाक करो, अगर फर्स्ट आया तो फिर कोई गिफ्ट रखेंगे, सेकंड आया तो कोई गिफ्ट, थर्ड आया तो कोई गिफ्ट, और कुछ नहीं आया तो कुछ नहीं, सीधी सी बात है। ये नहीं बोलते हैं कुछ भी, है बहुत चुपचाप रहते हैं, व्लॉग में भी नहीं आना चाहता है, बस ये ऐसे ही है। बारिश हो रही है बाहर, बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है गाइस। तो क्या करे दिया, पार्टी कुछ करते खाना, थे कोई क्या खाना बताओ, क्या खाना? एक एक तो गाइस, एक एक तो केक बनता है ना कटना आज, क्योंकि मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। मैं भी शॉक में हूँ, क्योंकि जितना बार स्कूल से मतलब इसके टीचर के फोन आते हैं तो सब बोलते हैं कि पुनीत को बोलो अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छे से पढ़ाई करे, तो ना बस यही बोलते हैं। तो इस बार तो मैं खुद भी शॉक्ड हूँ, जब इसका मेडल आया सच में मैं शॉक्ड हो गई, और मुझे विश्वास हो गया है कि ये पढ़ाई करते हैं। बाहर बहुत ज्यादा गाइस बारिश हो रही है, तो कोई नहीं करते फिर पार्टी। क्या ना कैमरा, धूप धूप में बारिश, धूप भी हो, धूप भी चल रहा है और साथ में बारिश भी हो रहा है। चलो कोई नहीं, फिर करते पार्टी। ठीक है, फिर केक मंगवाते हैं और एक छोटा सा केक काटते हैं ना, छोटा सा पार्टी पार्टी तो बनता है ना बेबी। ओ हाँ, केक खाओगे? केक खाओगे? गाइस शाम हो चुकी है और पापा भी घर पे आ चुके हैं, मम्मी खाना बना रही है और भाई का केक आ चुका है। हाँ भाई का केक आ गया, ये तो देखो भाई के लिए केक आ गया है। आ जाओ दिखाती हूँ, केक निकालो तो इसमें खिलाना पड़ा हुआ है। गाइज ये देखो, मुंह तक मुंह कट लिया। गाइज ये देखो, मैंने बोला था ना कि शाम को केक कटना है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब क्या बोलूं, खुशी तो है ना मन में। हाँ, शौक से वाली खुशी उसके है। पापा केक लेके आए हैं तो अभी केक काटने वाले हैं। कैमरा सही तरह फड़ना। हाँ गाइज ये देखो, मैं केक दिखाती हूँ, केक आ गया इसके, ये देखो अच्छा है ना दिया। केक तो बढ़िया, येलो 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 केक मैं निकाल लेती हूँ ध्यान से। ये देखो मैं केक मंगवाया था स्पेशल, मैंने बोला सेलिब्रेट तो बनते हैं। चलो ये उधर रख दे, डस्टबिन में रख। ये चाकू उससे केक, पुनीत इधर आ जाओ बेटे, पुनीत तुम्हारा केक आ गया, ये देखो पसंद है तुम्हें? ठीक है, अरे कुछ बोल भी नहीं, ये नहीं कुछ बोलना है। चलो ठीक है, हम अभी जा रहे हैं केक कटने के लिए, सेलिब्रेट करते हैं। चले केक कटे अब, चलो। ओके गाइस, हम केक कट लेते हैं। वैसे जन्मदिन तो है नहीं, बस पुनीत थर्ड आने की खुशी में मैंने स्पेशल उसके लिए केक मंगवाया था, मैंने बोला ले आओ केक। तो अभी हम सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं। पुनीत को यहाँ पे कट करना है। चल कट ले, ऐसे ही कट ले, चल चलो कट लो, चलो पकड़ लो। मेडल किसका, यहाँ पे कटना है, मार के रही है। चल चल काट, चलो कोई नहीं, अभी कटना है, इधर पे चलो काटो फिर। ओके हैप्पी बर्थडे, कौन सा हैप्पी बर्थडे था बताओ। रुक जा, कैमरा तरफ भी ध्यान दे, उधर देख क्या हो रहा है। ये लो गाइस, पुनीत की तरफ से। नहीं ऐसे चाकू से थोड़ी ना खाते हैं कोई, ये लो। चलो अंदर आराम से तुम्हें केक कटवाती हूँ, खिलाती हूँ। ओके गाइस,
अंदर जाती हूँ और इसके पापा के साथ हम मतलब फैमिली ये केक काटते हैं, पुडित को खिलाते हैं खुशी वाले दिन है। तो ये ब्लॉग हम यहाँ पे खत्म करती हूँ गाइस, तो मिलती हूँ अगले न्यू ब्लॉग पर, तब तक के लिए ओके बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके बाय बाय एवरीवन।